हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का रिव्यू है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक कबाब रेस्टोरेंट है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, यहाँ पर एक मतलब स्टाफ यहाँ पर जो है, यहाँ पर दो लड़की काम करते हैं। मतलब यहाँ पर केरला रेस्टोरेंट भी है और पाकिस्तानी है। यहाँ पर अभी यहाँ पर कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए लड़की को भी हायर कर रहे हैं। सैलरी 1300 से 500 मिलेगी और ड्यूटी 12 घंटे है। पर देखिए आप, यहाँ पर एक लड़की और एक लड़का है, जो लड़का फिलिपिनो है और लड़की इंडियन है। और ये केरला रेस्टोरेंट है, वाटरफॉल कैफेरिया है। यहाँ पर भी देखिए, ये दायरा में है, अबू बकर स्टेशन के पीछे वाला एरिया है मेट्रो का। यहाँ भी कैफेरिया में देखिए, केरला लड़की है, ये ऑर्डर ले रही है। यहाँ पर बस यहाँ पर आपको स्नैक्स मिल जाएंगे, जैसा टी है और आपको ग्रिल चिकन है, शॉर्मा है। तो यहाँ पर आपको शर्मा 5 दिरहम में और टी 1 दिरहम में है। देखिए लड़की काम कर रही है। फिर और एक नेक्स्ट है, ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। ये देखिए खादर दरबार बोल के है, उधर ही पास में है, वॉकेबल डिस्टेंस 5 मिनट है बस। वहीं एक रेस्टोरेंट है, आपको मैं यहाँ का भी रिव्यू कराऊँगा। थोड़ा हम लोग ये रोड क्रॉस करेंगे, देखिए ये सर्कल है, यहाँ से हम सीधा जाके तो मेन रोड जाएंगे। लेफ्ट में मेट्रो स्टेशन है, राइट में आपको ईगल होटल है, जहाँ पर खाना चीप मिलता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका भी रिव्यू कराऊंगा। अभी हम यहाँ से रोड क्रॉस करेंगे, आपको बताता हूँ। यहाँ पर भी यहाँ पर दो लड़की है, जहाँ पर कैफेटेरिया में काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी लड़की है। उनकी सैलरी भी 1200 से 1500 दिरहम है ओवर टाइम मिला के। कंपनी का रूम है, खाना उन्हीं का है, तो आप होटल में आपको खाना मिल जाएगा खाने के लिए। देखिए रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के बाहर का व्यू है, सामने मस्जिद है नमाज पढ़ने के लिए। ये दुबई दहरा है, ये पीछे का ये एरिया है, ये स्ट्रीट 37A आता है। यहाँ पर 42A है, प्रॉपर स्ट्रीट नंबर नहीं मालूम मुझे। ये भी आपको मैं यहाँ पर का रिव्यू करा रहा हूँ। यहाँ पर कारपटी मिलती है, उसकी प्राइस 1 दिरहम है। देखिए लड़की काम कर रही है, यहाँ पर कस्टमर सर्विस में है। आपको यहाँ पर टेबल क्लीन करना पड़ता है और कस्टमर को और टिकट सर्व करना पड़ेगा। आपको सैलरी आपको बहुत कम है, मगर अप्रिशिएट है, यहाँ पर लड़की लोग भी काम कर रहे हैं और यहाँ पर इनके लिए भी जॉब है दुबई में। दुबई सेफ़ है लड़कियों के लिए जॉब करने के लिए। तो यहाँ पर हर केरला और पाकिस्तान मतलब अलग अलग रेस्टोरेंट में अलग अलग स्टाफ है, जो इंडिया है, श्रीलंका से, पाकिस्तान से, मतलब हर एक रेस्टोरेंट का अलग अलग स्टाफ है। तो अपने मतलब कंट्री के लोगों को हायर करते हैं जॉब के लिए, क्योंकि उनको एकोमोडेशन की प्रॉब्लम होती है। लड़की लोगों के लिए सेपरेट से एकोमोडेशन देना पड़ता है, क्योंकि लड़कों के लड़के अलग रहते हैं और लड़कियाँ अलग रहती हैं। मतलब पास में ही यहाँ पर कैंप है। मतलब यहाँ का रिव्यू है करा रहा हूँ, आज का ब्लॉग यही था, मुझे पसंद आया। यहाँ पर लड़की लोग काम कर रहे हैं, अप्रिशिएट है वहाँ पर लोग, यहाँ पर लड़कियों को भी जॉब दे रहे हैं। सबकी लाइफ यहाँ पर स्टेबल है, अभी जॉब्स नहीं है यहाँ पर, देखिए फिर भी जो भी यहाँ विजिट में आ रहे हैं देख समझ कर आइए। अब जिस लोगों को अर्जेंट जॉब चाहिए, उनको तो अभी क्लीनर्स और लेबर वेटर्स में ही जॉब अवेलेबल है, और कहीं और जॉब नहीं है। जिसको भी मेरा ब्लॉग पसंद आया, जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैं और भी ब्लॉग बनाऊंगा, और भी थोड़ा मैं आपको दुबई लाइफ यहाँ की लाइफ के बारे में रिव्यू कराऊंगा। यहाँ पर इस ये एरिया को मिनी हैदराबाद भी बोलते हैं। यहाँ पर ज़्यादा लोग हैदराबाद और केरला के लोग हैं। यहाँ पास में ही आदाब रेस्टोरेंट है हैदराबाद की, उसके साथ में ये पाकिस्तानी होटल।